नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कुलभूषण को फांसी दिए जाने के निर्णय पर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए कुलभूषण को फांसी दिए जाने के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही कमिश्नर में CRPF के जवानों पर किए गए हमले की निंदा भी की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी हालातों के बावजूद प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने PM मोदी से पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहा है। आज पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण को जो फांसी की सजा का ऐलान किया है और नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और उसकी फांसी रोकने के लिए हम हिंदुस्तान के नौजवान गुहार कराते हैं देश की सरकार से। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में आज भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के कुछ पाकिस्तान के गद्दारों के नौजवानों ने आज वीडियो वायरल हुआ है, हमारे सेना को मारते दिखाई दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, कहाँ गई वो ताकत? आज तो सरकार आपकी है, कहाँ गई वो धारा 370? पाकिस्तान को आपने कहा था चुनाव के पूर्व के ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ बातें मत करिए, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। गौरतलब है कि कुलभूषण को जासूस बताकर पाकिस्तान फांसी पर लटकाने जा रहा है। वहीं कश्मीर में उपद्रवी CRPF के जवानों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही मामलों से देश में हलचल मची हुई है, जिसके चलते सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई हैं। न्यूज आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।